नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों को पंडित नितिन शास्त्री की तरफ से जय जय श्री राम। हर एपिसोड में हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी जानकारी हम लेकर आए जिसको करने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए, आपके जीवन में धन आए, सुख समृद्धि आए। आज का यह एपिसोड उसी श्रेणी पर आधारित है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको करने पर आपके घर की सुख समृद्धि, आपके घर की बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। बहुत सारे भक्तों के काफी दिनों से मेल आते हैं, एक सेम प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुजी, पैसा तो ठीक ठाक आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। कहीं ना कहीं हर 10 में से 5 से 6 व्यक्तियों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि पैसा तो ठीक ठाक कमा लेते हैं या कहीं ना कहीं से पैसा ठीक ठाक आने के साधन रहते हैं, लेकिन वह पैसा ज्यादा लंबे समय तक हाथ में नहीं टिकता, या जिस समय पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय कहीं ना कहीं पैसा हमारे पास से गायब हो जाता है। इसे कहते हैं बरकत का ना होना। अर्थात अगर हमारे पास पैसे की बरकत नहीं होगी तो हम जितना मर्जी धन कमा लें, हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। अगर हम बेशक थोड़ा पैसा कमा रहे हैं लेकिन अगर हमारे उस पैसे में बरकत है तो वही थोड़ा पैसा भी हमारे लिए ज्यादा का काम कर देता है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी नहीं बच रहा है तो कहीं ना कहीं बरकत से संबंधित दिक्कत हमारे साथ बनी हुई है। आज मैं आपको बरकत बढ़ाने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसे हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए अगर वह चाहता है उसके नसीब में अच्छा खासा धन दौलत पैसा आता रहे। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं आपको घर की बरकत बढ़ाने के 5 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, कोई भी इन उपायों को कर सकता है। जब आप इन उपायों को करोगे तो आपके घर की जो बरकत है तुरंत प्रभाव से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन नियम से अगर आप उपाय करोगे तभी आपको इनका फल मिलेगा। अगर आप जल्दबाजी में या गलत विधि से उपाय करोगे तब किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय, घर पर सप्ताह में एक बार सेंधा नमक मिले हुए पानी का पोछा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे घर पर कई बार कोई ना कोई नेगेटिविटी हो जाती है, या कई बार कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति हमारे घर आ जाता है जिसके साथ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लगी हुई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव क्षीण कम होने लगता है और जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। तो उन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से खत्म करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन सेंधा नमक मिले हुए पानी का पोछा पूरे घर में जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की जो बरकत होती है वो फिर से आपके घर में लौटने लगती है, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं वो फिर से आपके घर में आने लगती है और जिनसे आपके घर में धन खुशियां सुख बहार ये भी लौटने लगती हैं। ये पहला पॉइंट था।
अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना है। प्यारे बंधुजनों, अपने घर पर शुक्ल पक्ष जब चल रहा हो, यानी कि जिस समय चांद लगा हुआ हो, कम से कम 4 महीने में एक बार शुक्ल पक्ष में अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जरूर करवानी चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो ऐसा करने से आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है, इस जन्म के और पूर्व जन्म के आपके पाप नष्ट होते हैं, और सत्यनारायण भगवान की पूजा घर पर करवाने से आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होने लगती है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवानी चाहिए। ये दो उपाय मैंने आपको बताए हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा उपाय। लेकिन मेरी आप सभी से एक विनती है, एपिसोड को देखने के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो प्यारे बंधुजनों, तीसरा उपाय कुछ इस प्रकार है। अगर आप चाहते हैं आपके घर पर कभी कोई रोग, कोई संकट, कोई कलह क्लेश ना हो, तो आपने अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने घर पर तुलसी का पौधा नहीं लगाया हुआ है तो इस एपिसोड को देखने के तुरंत बाद एक प्रण लें कि अपने घर में आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वे घर साक्षात तीर्थ के समान होते हैं। और चमत्कार देखिएगा, जैसे ही आप तुलसी अपने घर लगाओगे, आपके घर के जो रोग संकट परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगे। चौथा कार्य, अगर आप अपने घर पर बहुत पैसा पाना चाहते हैं तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन चलते हुए पानी में काले तिल जरूर प्रवाहित करें, यानी कि अपने सभी पितरों का ध्यान करते हुए अमावस के दिन चलते हुए पानी में काले रंग के तिल छोड़ने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों से ही हमें धन दौलत की भी प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद जिन घरों के ऊपर होता है वहां पर देवी देवताओं का आशीर्वाद भी खूब बरसता है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।